अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है भाई जान? सिर्फ 15 मिनट रह गया, फटाफट तैयार होकर आपसे मिलता हूँ। 15 मिनट नहीं रहते, अभी बहुत टाइम है, तो मैं आपसे आराम से तैयार होकर मिलता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ईद मुबारक। तो क्या हाल चाल है बच्चा ना आप सभी लोगों का। तो पहले मैं जीन्स पहन रहा था ब्लू, फिर मेरे को ये ट्राउज़र मिला तो मैंने कहा ये पहनते हैं। हाय सुनसान पियाँ ने जगह, 1 मिनट, 3 मिनट, मतलब 3 मिनट इसलिए रह गए कि 6 बजे मतलब हमने मस्जिद में होना था, और बाकी जो टाइम है 6:15, 6:20 इतने पे जमात खड़ी हो जाएगी। तो ये जी, मैं इस तरह का तैयार हुआ हूँ ईद के लिए और नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब फहद का इंतज़ार करें या नहीं, वो पता नहीं कितने बजे आएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, चलते हैं, बीच रास्ते में मैं पापा और हमजा भी मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी लेट्स गो, 3 दिन ब्लॉग इन कोशिश करूँगा कि आए। हाय ईद मुबारक। ओ हाय, उधर भी बेला शेला बंदिया ने क्या पाते हैं भाई। तो हाँ जी, तो वहाँ दूसरी वाली मस्जिद में चले। हाय हमजा सुतिया जग गया है। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और माशाल्लाह मज़ा आ गया। और आज मेरा दिल है कि जाने का, क्योंकि पिछली ईद भी मैं कहीं नहीं गया, बस ऐसी मेरे दिन। ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, पिछली दफ़ा भी ट्रांसपोर्ट फ्री थी, अभी भी चलेंगे, तो वो मसला नहीं है। समझ नहीं, वो जो है फ्लोरिया, फ्लोरिया बीच, तो देखेंगे कहीं जाना लगे। पाकिस्तानी चाचा जा रहे हैं पीछे। पिछली दफ़ा मेरे साथ ही तो ये हुआ था, फिर मैं दूसरी मस्जिद भागा, लेकिन बस सेकंडों का फ़र्क था बस। तो अभी देखते हैं इधर वो बछड़ा है या नहीं। नहीं है बछड़ा, वो बछड़ा खड़ा है। अच्छा वो अब गिराएंगे इधर थोड़ी, अब छोटे छोटे बाल करा लिए और अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। आज पहले तो खीर खाते हैं घर जाके, और यहाँ से कोई पोचे शोचे लेते हैं। ये चाबियाँ हमजा ले आया इनकी, तो इनको चाबियाँ वापस करते हैं, कुछ लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। आज का ब्लॉग अच्छा होगा, मैं श्री नेवलर भी जाऊँगा, अपने गोल्डन टाउन वाले जो दोस्त हैं उनसे भी मिलकर आते हैं। जी अभी अब मैं जा रहा हूँ आज भी श्री, ओहो बस निकल गई शिट। और एक तो बस इतना लेट आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, अभी इतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि एक ही बस आती है और एक जाती है। तो ये वाला सीन, अभी श्रीनगर चलते हैं। ये चढ़ाई, ये पार्ट वो है ढलान, इसलिए कैमरा ना हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो चलते हैं उनसे मिलते हैं, केक शेक लेते हैं। इधर केक बहुत मज़े के, मतलब उसका चेहरा बहुत आउट क्लास है। तो मेरा दिल था यहाँ से लेते, लेकिन 1.5 घंटे का रास्ता है, तो उधर जाते जाते उस केक का क्या हाल होगा। इसलिए मेरा दिल है कि वहाँ जाके ना वहीं से केक लेंगे। पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं उनके घर, वरना पहले हम लोग साथ रहते थे, फिर मैं श्री नेवलर इधर एसन रोड शिफ्ट हो गया, उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया, हादी पकड़ा गया, वो वाली रिहाइश ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। तो उसके बाद अभी मैं पहली दफ़ा मतलब उनके घर जा रहा हूँ, तो उधर चलते हैं और फिर वहाँ से इंशाल्लाह, वहाँ से फिर आगे जाने का मूड है अगर अब्दुल्ला आ जाता है तो। अभी ऐसा करते हैं, उधर पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे नीचे उतरते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा चल भी रहेंगे। तो उसके बाद मेरे को जाना है ब्लू मॉस्क, अगर अब्दुल्ला आ जाता है। अब्दुल्ला ने कहा ऑन बेयर मतलब 11 बजे मैं आऊँगा, तो मैंने ये कहा कि देखते हैं मगर कितनी देर रुकता हूँ। अगर मैं सिर्फ मिल के आ गया तो वो भी आपके सामने होगा, अगर अगर मैं उधर फिर बैठ गया थोड़ी देर लंबा टाइम तो वो भी आपके सामने होगा। फिर देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। चलो अब इंतज़ार करते हैं, अब श्री नेवलर वाले रोड पर मिलते हैं आपसे। ये थोड़ा बहुत क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 5 और ये 1.5 लीरा, मतलब 6 लीरा है इधर, 5, 5.5 रुपये है किराया। और यहाँ से आने हैं बस ने और फिर यूँ सीधा चले जाना है। तो कितना टाइम मैं यहाँ से पैदल आता रहा हूँ, वो पहाड़ी इतनी लंबी है ना यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते, तो अभी देखते कब आती है बस। टाइम लगाती है, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ ये एक बस है तो टाइम लगाती है,
बाकी बसें तो मतलब नॉर्मली आ जाती हैं, जल्दी आ जाती हैं। यहाँ से एक बस जाएगी और फिर दूसरी बस आएगी, तो एक बस तो चली गई जैसे मैंने आपको बताया, तो अब देखते हैं दूसरी बस कब तक आती है, अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। वो देखो स्टार टावर ऊपर नज़र आ रहा है, वो वहाँ पर जाता हूँ मैं, इधर से कितना करीब लग रहा है, लेकिन अभी जब यहाँ से चलने लगोगे तो इतना दूर है ये रास्ता, क्या बताऊँ। दूर किस वजह से? पहाड़ियों की वजह से, ये पहाड़ी इलाका है ना, सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ इधर ही हैं। तो आज देखते हैं यार, कल हमजा लोगों को, फहद लोगों को लेके जाऊँगा फ्लोरिया बीच वगैरह, तो वो भी आपको दिखाऊँगा कल इंशाल्लाह। व्लॉग अब डेली आएंगे, शायद दो दिन या तीन दिन में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया मैं व्लॉग ही नहीं बना रहा यार, मतलब क्या हो गया यार शहीद, मतलब मैं ऐसा वाला सीन हो गया, दिल ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ करने का, क्योंकि शो ख़त्म हो गए लगता है। जी तो गाइज ये रहा जमहूरियत का मेट्रो स्टेशन, तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे श्रीनगर। तो गाइज अभी चेक करना है कि आज फ्री के कार्ड हैं या नहीं, क्योंकि जैसे इन लोगों ने कहा था कि आज टिकट्स तो नहीं लगेंगे, मतलब फ्री की बसें होंगी, तो देखते हैं फ्री की होती है नहीं। हो कह रहे तीन दफ़ा तुम फ्री में यूज़ कर सकते हो, वो गुजर वो बस खड़ी हुई है, लेकिन अब उधर तक हम पहुंच ही नहीं सकते जल्दी, आराम से जाएंगे और तब तक वो निकल जाएगी, और प्रोटोकॉल जा रहा है। चलो यहाँ पे ना एक मज़े की बात है, यहाँ पे वो जल्दी बस ना, ये जो मेट्रो है ना, ये बस है ट्रेन आगे, ये जल्दी आती है, बाकी जो तो मिनी बसेज है ना वो बहुत देर से आती हैं, तो ये जल्दी आती है, तो मतलब अभी अगर दो मिनट का इंतज़ार किया जाए तो ये आ जाएगी, मतलब इसके लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, ये आ जाएगी। आ गई बस, सीट भी मिल गई है पहली दफ़ा, सीट को ऑक्यूपाई करते हैं। फाइनली गाइस श्री नेवला रप्पड़ आया, तो अपना है इस तरह की बातें कर रहा हूँ मैं यार। तो जी श्री नेवला पहुँच गए, हम चलते हैं अभी यहाँ से, बहुत लंबा सफ़र है अभी, अगर मैं पैदल जाऊँगा तो काफ़ी लंबा, अगर यहाँ से भी एक बस पकड़ता हूँ तो फिर नॉर्मल सफ़र हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से मेरा थोड़ा थोड़ा, अभी देखते हैं चलते हैं, लेट्स गो। वो आ चुके हैं हम लोग श्री नेवलर के मैदान, गुजैर बड़ी महंगाई हो गई है, लास्ट टाइम मैंने ये लिया था उस प्राइस में, ये और वो, जो अब इस प्राइस में मुझे ये मिल रहा है अल्लाह ला करके, वो भी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। चलो लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं सीधा डायरेक्ट, 400 किलोमीटर रह गया बस, मतलब इधर से यूँ सीधा जाना है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ, उठा रहा है। चलो भाई ये भी हमारी श्री नेवला में जहाँ काम करता था ना वहाँ ये बनती थी, ये भी बनती थी, ये भी बनती थी, और ये तो पोछे हैं, और पता नहीं और क्या बनता था क्या नहीं। बहुत महंगाई हो गई है यार, चलो चलें। हाय हाय जनाब अली, बड़े प्यारा शॉप में उसने पैक करके दिया है, 400 किलोमीटर के बाद आएगा शौक, बस शौक के ना आसपास का है, मतलब शौक पहुंच गया तो घर पहुंच गया समझो, तो इसी रोड पे बस सीधा सीधा ही चलना है, ये आसानी होगी कि सीधा सीधा चलना, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, जहाँ तक मुड़ना था वो जगह मुझे पता थी, उसके बाद सिर्फ सीधा सीधा था, तो वहाँ तक तो मैंने लोकेशन मैंने अभी खोली है बिल्कुल अभी, और उसने कहा कि 400 किलोमीटर, जब मैंने उधर खोली थी श्री नेवला मैदान पर तो 1.5 किलोमीटर बता रहा था, तो मतलब 1 किलोमीटर में चल चुका हूँ, ये शौक आ गया समझो, उसने कहा था घर आके, तो अब मैं फ़ोन को बंद करता हूँ और लोकेशन खोलता। जी तो ख़वातीन हज़रात, पीछे छुरियाँ तेज़ हो रही हैं, और दूसरा ये कि मैंने बहुत जल्दी के ना मैं शौक देख लिया, वो शौक नहीं है, अभी पहले डोमिनोज आएगा उसके बाद कहीं शौक आएगा, तो अभी बहुत दूर जाना है, मैं भी कहूँ इतनी जल्दी में कैसे पहुँच गया हूँ, अभी भी 400 मीटर है। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा भी आ गया पीछे, अब शौक दे, मतलब अब जो शौक आएगा, वो लोकेशन भी उतारा, अब 4 मिनट रह गए हैं, 290 मीटर, टर्न राइट, अब इधर मुड़ना है,
चलो अब मिल के बात करते हैं। अच्छा जी, तो मैं पहुंच गया हूँ, ये रहा शॉप पीछे, और ये तो फुल गलियों के अंदर वाला शॉप है ये तो, मतलब तो बस वो कह रहा है मैं आ गया शॉप के पास खड़े हो जाओ, तो अब हम उसका इंतज़ार करते हैं। फैजान भाई आ रहे हैं जैन, और उनको मैंने किसी को भी बताया नहीं, शायद इसने भी नहीं बताया, तो उनसे चल के मिलते हैं फटाफट, और देखते हैं वो सो रहे हुए तो सो रहे हुए, नहीं तो फिर उनसे मिलते हैं इंशाल्लाह। इंतज़ार करते हैं 2 मिनट, वो आ जाएगा। इधर ही कहीं इसका आसपास ही घर है, मतलब वो गैलरी की शौक नज़र आता है, अंडरग्राउंड है ना, तो देखते हैं कब कितनी देर में आते हैं। कहा था ये घर है, ये फैजान भाई आए हैं सोए हुए परदेसी, चल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, ईद मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक भाई सबको, ईद मुबारक फैजान हैं, भाई अंदर चलते हैं ना, किधर है सारे? दूध तो ला रहे हैं, दूध बंद है दुकान, शौक जी, ये देख रहे हैं इनके काम, शौक बंद है, इधर खुला होगा, इधर ऊपर मुझे मैसेज कर देता मैं ले आता तो बताता तो सही। ये इसने जैन की चप्पलें पहनी हुई है ना, देखो अभी तक याद है मुझे। चलो जी गाइस, ये देखें, ये मीठे चावल बनने की तैयारी है, ये रात को कुछ बचा हुआ है, और ओह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो गाइस, फुल जर्दे का रंग आ गया, आ गया जर्दे का रंग जैन भाई फुल शेफ बने हुए, ये बन रहा है, और ये भी कोरमा, कोरमा कोरमे की तैयारी हो रही है, चेक करें, मिलते रहूँगा मैं आपको, बताता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जर्दा हो गया है तैयार, बंद करते बंद करते बंद बन गए अभी, और ये अब हो रहा है, क्या बन रहा है अब जैन भाई? अचार गोश्त, अचार गोश्त, थोड़ी आवाज़ निकालें, अचार गोश्त, हाँ जी अचार गोश्त बन रहा है। आप क्या कहते हैं, अचार गोश्त उसे पसंद नहीं है, बाकी बंदों को पसंद है तो अचार गोश्त बन रहा है। ओह ये किसका है, क्या बातें हो रही हैं भाई। ले जी गाइस, मुझे तो कसम से बहुत भूख लग रही है इस टाइम, और खाना खा के ना ये वाला ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे, फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, ये कह रहे हैं मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। गाइस प्याज ब्राउन हो रहा है, सानू लगाइया की क्या लोड़ है, साढ़े यार लगाइया तो बढ़ गई, मुझे मीम वायरल हो रही थी हाँ टिकटॉक पे, मुझे परदेश की बना रहे थे पंजाबी में, कह रहे थे हमें क्या नाम है बीवियों की क्या जरूरत, हमारे जो यार हैं वही लगाइयों से बढ़ के थोड़ी है। ये डाल दूँ ब्राउन होंगे, फिर लहसुन जाएगा, उसके बाद चिकन जाएगा, सही अकेला लगा हुआ जैन भाई हमारा माशाल्लाह। जैन भाई कलर तो दिखाओ बालों का, हो गए ब्रो। 2 किलो चिकन भी लेता जाए काफी, और डालो इसमें सही, तो और डाले डालो, तो नहीं कम तो नहीं सही है, दोनों डालूंगा पानी का, ये जैन ने मसाला तैयार किया अभी, तो जैन कुछ इसके बारे में बताएं, कोई इंग्रेडिएंट जो आपने इसके अंदर डाले, चीज़ें बताई नहीं जाते, और बता दें यही तो राज की बातें जो बता देनी चाहिए आप बताएं कुछ इन दी एंड, तो हो गया ये जैन फिनिश, मसाला डाल दिया सही है, और कुछ जैन? तो यार ये कितने की हो गई है, सलाम अलैकुम, अबे ओनली रे, अबे खुबूस वार खुबूस खुबूस है, ये मैं लावश फैब्रिक का लावश, हां लावश बिते बिते Oh. Çok aldık, yetmedi. Çünkü 3 gün kapalı ya. Ha. Yarın da yok, pazartesi gelecek. Ha, Beran var ne bu? Bayram. Ha. तो गाइस अभी अलाफिज वगैरह हो गया, शाम के 6 बजने वाले हैं,
और बातें करते करते चाय शाय पी, खाना शाना खाया, टाइम का पता ही नहीं चला, व्लॉग भी नहीं बनाया। अब मुझे नींद भी आ रही है और सफ़र भी बहुत लंबा है, तो मैंने कहा अब चलते हैं घर के लिए। तो अब हम लोग घर चलते हैं, घर पे मिलते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, या अगर आगे कुछ दिखाना हुआ तो कुछ दिखाएंगे और इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय। अच्छा तो गाइज, ये वाला जो स्कूल देख रहे हैं ना, इस स्कूल के पीछे मेरी पहली रिहाइश थी, जहाँ पर मतलब मैं पहले रहता था। और इस दुकान से मैंने पहली दफ़ा चीज़ ली थी जब मेरे को तुर्की भी नहीं आती थी, मतलब इतनी आती है कि गुजारा हो जाता है। उस टाइम इतनी भी नहीं आती थी, बेरी की कुछ भी नहीं पता था, इक्की को मैं एक समझता था। तो इक्की बोल के मैं ऐसे एक ही जगह दो दो चीज़ें ले लिया करता था, उसकी शर्म के मारे मैं उसको बोलता नहीं था कि एक वापसी कर। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, थोड़ी बहुत बोल ली जाती है। तो अब चलते हैं। हेलो जी गाइज, तो ये श्रीनगर मैदान। तो अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पर, बहुत रश है। और अब मैं ट्रेन में या बस में बैठ के ना व्लॉग एडिट करूँगा, अब हिम्मत नहीं है क्योंकि वापसी वही रास्ता है सेम। तो होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय। स्टॉप से उतरते ही सामने बस मिल गई, बस अब घर चलते हैं। तो होप यू गाइज एंजॉय दिस जर्नी।